हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में। आज के एडिटोरियल आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में शॉर्ट जानकारी आपको दे दूं। मैं इंडियन रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर हूं। अगर आपको रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए कि सैलरी कितना होता है, यूपीएससी में जो लोग आते हैं रेलवे में ऑफिसर बन के उनका क्या क्या प्रमोशन होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल टेल यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल्स। तो आज के देखिए आर्टिकल्स, बहुत आर्टिकल्स हैं। अगर हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो जो अपना फर्स्ट आर्टिकल है वो है इसराइल वाला, कि इसराइल का जो सीज फायर था उसके बीच में ट्रूस अभी हो गया है, यानी युद्ध विराम अभी हो गया है, इसके रिगार्डिंग ये अपना आर्टिकल है। और जो सेकेंड आर्टिकल, एक मिनट, जो सेकेंड आर्टिकल अपना है वो है स्टोरीज ऑफ डिजिटल जुगाड़। ये इस बारे में है कि अभी जो पेंडेमिक आया हुआ था उसमें अपने जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसमें किस तरह लोगों ने हेल्प मांगी और वो किस तरह अच्छा साबित हुआ, यानी अपने गवर्नमेंट से ज़्यादा हेल्प उससे मिली है, इसके बारे में हम लोग इसमें ब्रीफ में अभी डिस्कशन करेंगे जल्द ही। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो है लिसन टू द स्टेट, यानी जो अपना फेडरलिज्म है यानी संघवाद जो अपना है, जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में अभी जो पेंडेमिक आया है उसके बीच में लेके दोनों में तानातानी मची हुई थी कि यार हमें वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे डाटाज जो हैं आप लोग गलत बता रहे हैं, इसके बारे में है, शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ये वाला गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो सुंदरलाल भगोड़ा थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा जो कि रेनी विलेज में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम का यूपी आज का उत्तराखंड, जो शायद से कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में था, एक बार कंफर्म करते हैं, राइट ये था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बारे में हम लोग आज ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़रूरी आर्टिकल है यार ये, आपके एसए में भी पूछा जा सकता है। देखिए आपके स्टेट पीसीएससी में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 से 5 नंबर का, ओनली आपको ये लिख के दे देंगे सुंदरलाल भगवाना, इसके बारे में बताइए। तो आपको इसके बारे में कम से कम 30 शब्द या फिर 20 शब्द लिख के बताना है, या फिर जो गोरा देवी दे देंगे, गोरा देवी भी इसी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आज देखिए पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। देखिए ये जो आर्टिकल है वॉइस ऑफ हिमालय, वो आर्टिकल सेम है जो अभी हमने चिपको मूवमेंट से रिलेटेड देखा, तो यार दोनों चीज़ें एक ही है तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। और अगला आर्टिकल है द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी इसमें बेसिकली जो हमारा संविधान का आर्टिकल 15 है उसके बारे में बताया गया है, यानी आर्टिकल 15 क्या है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस, और उसी आर्टिकल के क्लॉज 4 में हमारे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। अगर मान लो रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके कभी भी कोई भी ऐसे आता है या फिर कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपनी राय प्रकट करनी है वेदर रिजर्वेशन इज गुड और बैड, तो इन सब के बारे में ये हमारे एमपी हैं सुशील कुमार मोदी जी, इन्होंने ये लिखा है ये आर्टिकल। हालांकि इसमें बातें सही बताई गई है इसलिए ये आर्टिकल हमने लिया है, क्यों आप इसमें देखेंगे कि ये आर्टिकल ही बेसिकली सही है, एग्जाम पर्पज़ के लिए सही है, लेकिन तो हम लोग वही आर्टिकल लेंगे जो एग्जाम पर्पज़ के लिए सही है। ये आर्टिकल पहले ऊपर आ चुका है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल द इंडियन ट्रूस। यार देखिए जो अभी सीज फायर था चालू था, एक तरीके से ये क्या था कि वॉर था, जो वॉर लगभग 11 दिन तक वो वार हमारे स्टार्ट हुआ हमारे इसराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में। तो यार देखिए इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हमेशा यूएसए ने इसराइल को बहुत सपोर्ट किया है, यूएसए ने इसराइल को सपोर्ट किया है। इसमें लिखा हुआ है जो हमास ग्रुप है, हमास ग्रुप है उसको यूएसए ने हमेशा एज अ कि आतंकवादी ही माना है, उसे कोई देश नहीं माना है अपने फिलिस्तान को, तो उसने इसको सपोर्ट नहीं किया है यूएसए ने। और अगर हम इंडिया की माने तो इंडिया ने जो सपोर्ट किया है वो किया है फिलिस्तीन को, ना कि इसराइल को, क्योंकि अगर आप अपने हिस्ट्री में देखेंगे तो अपने जो फॉर्मर पीएम
पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कहा था कि इसराइल को उसकी ज़मीन वापस दे देनी चाहिए। तो यार जिस तरह अपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमेशा फॉलो करते हैं, उसी तरह जैसे बीजेपी को ही फॉलो करती है। तो अभी अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी यूएनओ में, तो उसमें इंडिया ने फिलिस्तीन को खुला सपोर्ट किया है, वी आर डेडली सपोर्ट टू फिलिस्तीन, यानी हमास ग्रुप को सपोर्ट किया है। और जो ये वॉर स्टार्ट हुई थी, ये वॉर लगभग 11 दिन तक ये वॉर चली है यार, बहुत लोगों की जान गई है, 11 दिन तक वॉर चली है। इस वॉर के रिगार्डिंग यूएसए ने ये स्टेटमेंट दिया अपने बिडन ने कि हर किसी को अपना सेल्फ डिफेंस की स्वतंत्रता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में इन्होंने कहा है। लेकिन यार आप एक बात ध्यान दीजिए, इसराइल इतना आगे है टेक्नोलॉजी में जबकि फिलिस्तीन एकदम ज़ीरो है। तो आप दोनों का जो कंपैरिजन देखिए, आप हाथी को बिल्ली से फाइट करवा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये बयान इन्होंने दिया है। तो यूएसए की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपने गल्फ कंट्रीज़ के रिगार्डिंग वो स्ट्रेटजी इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन इंडिया ने बेसिकली इनको सपोर्ट किया ये है। तो ये जो आगे इसमें क्या बताया गया यार, जो ये जो 11 दिन का वॉर चला है उसमें सिर्फ 12 इजरायली डेड हुए हैं जो अपने हमस ग्रुप ने वहाँ से रॉकेट दागे थे, जबकि गाजा पट्टी में इसराइल का जो एयर स्ट्राइक था उसमें लगभग 200 फिलिस्तीन्स की डेड हुई है, इसमें शायद एक या दो इंडियंस भी थे जो यहाँ पे काम करते थे। आप देखिए, आप अगर आपने इसराइल के पास आयरन डोम की व्यवस्था थी, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही हाईली एडवांसेस टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। अगर आपके यहाँ कोई मिसाइल आ रही है, जैसे यहाँ पे आयरन डोम लगाया हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे मिसाइल आ रही है तो यहाँ से एक मिसाइल आएगी बाहर और वो इनको हिट कर देगी। ये है आयरन डोम का सिद्धांत बेसिकली, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो, ठीक है। तो ये सब बारे में इसको बताया गया, लेकिन यूएसए ने इसे सेल्फ डिफेंस का सिद्धांत दिया गया। अभी आप देखिए जो हमारी ये यहाँ पे ट्रूज हुआ है, यानी जो युद्ध विराम अभी स्थापित हुआ है, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान हर बार की तरह इजिप्ट ने दिया है, इजिप्ट ने दोनों को शांत करवाया है जैसे कि हर बार यही होता है। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में यही दिया गया है। और आपको पता है इसराइल और जो फिलिस्तीन की पहले संधि हो चुकी थी 1993 में ओस्लो में, यानी ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, यहाँ पे पहले से ही एक संधि एक ट्रेटी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इसराइल ये बोल रहा है कि इसराइल का जो फ्यूचर है वो है द ग्रेट इसराइल, यानी इसराइल आसपास की जो कंट्रीज़ है उनको भी अपने अंदर लेना चाहता है। मतलब इसराइल अभी ये बोलता है कि अभी हमारी सीमा स्टेबल नहीं है, अभी हमारी जो लिमिट है, अभी हमारी जो बाउंड्री है वो भी डिसाइड नहीं है, ये दिनों दिन बढ़ रही है, इसराइल का ये मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही सब बताया गया है बेसिकली। चलिए अगला आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए अगली आर्टिकल है, मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा, इसमें मैंने जो प्रमुख बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है, आई हैव अंडरलाइंड ऑल द थिंग्स। तो स्टोरी ऑफ डिजिटल जुगाड़, तो स्टोरी ऑफ डिजिटल जुगाड़ के बारे में बात करते हुए सबसे पहले इसमें दो चीज़ों का के बारे में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने एक साथ दो चीज़ों पर एक साथ साइन किया। बेसिकली मुझे लगता है कि ये आर्टिकल वैसे एंटी मोदी है, मेरे को लगता है, लेकिन इसमें अच्छी बातें भी बताई गई है। देखिए अपने इसमें क्या है, जो फर्स्ट चीज़ इसमें है, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे मोदी जी ने एक साथ साइन किया, यानी ये दोनों बातों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं, यानी कि पास्ट में जाएं, तो जो डिजिटल इंडिया शायद स्टार्ट हुआ था आई गेस 1 जुलाई 2015 को, और जो आत्मनिर्भर भारत का जो इन्होंने बताया मोदी जी ने, वो बोला था 12 मई 2020 को, यानी लास्ट ईयर की बात है। तो बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है। अगर आगे हम इसमें देखते हैं, अगर मान लो फ्यूचर में हम इसको देखेंगे हिस्ट्री को, तो देखिए यहाँ पे हैशटैग इन दिनों किस तरीके के हैशटैग का प्रयोग किया गया है, आईसीयू बेड,
या प्लाज्मा, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में बात की गई है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारी हेल्प नहीं कर रही है तो एक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि आप आत्मनिर्भर रहिए। तो उसी तरह जो यहाँ पे अपने जो अपना पॉपुलेशन है उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कि ट्विटर का यूज़ किया। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड थे कि वी यूज़ ऑक्सीजन, जिस भी इंसान को ऑक्सीजन की नीड होती थी वो बंदा अपने सोशल मीडिया पे डाल देता था, उसके फ़ोन नंबर डाल देता था कि ताकि जो भी उसकी हेल्प करना चाहे वो वहाँ पे कर सकता है, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ उसकी हेल्प करना चाहती है। जैसे ये ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ था कोवी हेल्प, लेकिन इसमें एक बात ये भी बताई गई है, देखिए ये जो इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है इसमें क्या है, बेसिकली देखिए जो अपना कि दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, तो वो लोग क्या स्टार्ट किए, मतलब बेसिकली वहाँ पे लोग बाग सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते थे इन कंपेरिजन टू मुंबई। तो जबकि सोशल मीडिया पे जबकि ट्रेंड चला दिल्ली में कि वी यूज़ ऑक्सीजन, वी यूज़ अर्जेंट सप्लाई, तो वहाँ पे ये वाला ट्रेंडिंग ज़्यादा था, जबकि मुंबई में ये ट्रेंडिंग लो था। हालांकि इसका रीज़न अलग था कि वहाँ पे लोग बाग यूज़ नहीं करते हैं और अपने जो राजधानी यानी जो कैपिटल है वहाँ पे यूज़ ज़्यादा करते थे, जबकि यहाँ पे ये मान लिया गया कि यार दिल्ली की व्यवस्था ख़राब है और मुंबई की व्यवस्था सही है, ये एक एग्जांपल सेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल मीडिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है यार। तो इसका जो फ़ायदा है बेसिकली गवर्नमेंट उठा रही है। और यार ऐसा है, गवर्नमेंट ने अभी एक और चीज़ स्टार्ट की थी कि अगर आपने कुछ भी एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे, कुछ भी मांगा, तो आपके ऊपर NSA के रिगार्डिंग जो भी कार्यवाही होगी यानी देशद्रोह का आपके ऊपर आरोप लगेगा। तो इसमें बेसिकली पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में चर्चा की गई है। और आप देखिए ओनली जो अपने इंडिया में टोटल जो है पॉपुलेशन, यदि आप लें 130 करोड़ पॉपुलेशन लें तो उसमें से ओनली 70 करोड़ पॉपुलेशन जो यहाँ दी गई है, तो ओनली 70 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो ये है जो सोशल मीडिया यूज़ करती है। और उन 70 करोड़ पॉपुलेशन में भी ओनली देखिए कि 3% यानी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हैं ट्विटर प्लेटफॉर्म को। तो आप इसके बेसिस पे ये बात नहीं लगा सकते, जबकि सेंटर ये मानती है कि देखो जहाँ पे ट्वीट वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे स्थिति बिगड़ी हुई है, जहाँ पे कम आ रहे हैं वहाँ पे स्थिति अभी भी सही है। तो अभी भी क्या एक रियल डाटा उपलब्ध नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। दूसरी इसमें बात की गई है अपने कि टिंडर वगैरह की, ये देखिए टू एड टू द मिक्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म ज्वाइन द डिजिटल जुगाड़ वाइल तो इसमें क्या बताया गया, एक जो कोलंबिया का फ्रेंड था जो कि जो कोलकाता में था, उसने कि टिंडर के माध्यम से एक अभियान चलाया कि भाई जिसको भी कुछ भी चाहिए होता है, प्लाज्मा चाहिए होता है, वो इसमें डालें, तो उसने उसको हेल्प करी। एक और अपने इंडिया की एप्लीकेशन है ट्रू मेडली, इसके माध्यम से भी काफ़ी हेल्प रहा। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि यार डिजिटल मीडिया का यूज़ काफ़ी हुआ है। और दूसरी ओर इसका जो क्रिटिसिज्म किया गया गवर्नमेंट का कि एक तरफ आपने आत्मनिर्भर बनाया सबको कि अपने हिसाब से यूज़ करो, और एक तरफ आपकी डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, यानी इसमें एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इधर चलिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इधर चलिए, तो इसमें दोनों बातें बताई गई है। और अभी भी शायद से महाराष्ट्र की स्थिति और दिल्ली की स्थिति दोनों की बहुत ही ख़राब है, लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, ICU बेड नहीं मिल रही है, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की यानी आत्मनिर्भर रहिए, तो इस स्थिति में हम आत्मनिर्भर कैसे रह पाएंगे। अभी इसमें एक और बात बताई गई, देखिए इंडिया की हालत ऐसा है कि इंडिया में 1456 लोगों में सिर्फ एक डॉक्टर है, यानी 1000 लोगों में भी एक डॉक्टर नहीं है। यदि हम यहीं बात करें कि नर्स की, हालांकि इसमें नहीं है नर्स, अगर हम यहाँ पे नर्स की बात करें या फिर जो मिडवाइफ्स की बात करें, तो 1000 लोगों पे सिर्फ 1.2 नर्सेज हैं, जो कि हमारे बांग्लादेश और जो पाकिस्तान से भी कम यहाँ पे डाटा है। तो देखिए यार हमें अपना जो कंपैरिजन है वो हमें बांग्लादेश और अपने पाकिस्तान से करना पड़ रहा है, इतने हालात ख़राब है इंडिया की, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे बिना किसी देरी के। आशा करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और अगर ये वीडियो अभी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए यार, कि ताकि आगे भी अपन इसी तरह चलते रहें। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, लिसन टू द स्टेट, इसमें बात की गई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, यानी सामूहिक
संघवाद की बात कही है, यानी इसमें ऐसा ऐसा बताया गया है कि जो अपने की लास्ट ईयर के जो COVID-19 के हालात थे 2020 में, उसमें स्टेट और सेंटर के बीच काफी मतभेद था, लेकिन वो अभी यहां पे नहीं है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द वायरस लास्ट ईयर वॉज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए इसमें यह बताया गया कि लास्ट ईयर जो कोऑर्डिनेशन था सेंटर और स्टेट के बीच में वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और जो अलग अलग जितनी भी पार्टीज़ है उनकी अलग अलग हालात हैं। यहाँ पे मैं आपको हल्की सी बात बताना चाहूँगा, अगर आपको पता होगा तो पिछले 6-7 दिन में जो अपने CM ऑफ दिल्ली है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार देखिए वैक्सीन बनाने का जो अभी हमारे इंडिया में जो टेंडर है वो अगर हम लोग की प्राइवेट में लेके चलें तो वो SII के SII के पास है, और जो अपना गवर्नमेंट है वो है कि भारत टेक के पास। तो अपने अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली ये बोला कि यार जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी है उसको ये वाला फॉर्मूला और भी कंपनीज को देना चाहिए, ताकि जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होना चाहिए। तो ये बात मोदी गवर्नमेंट ने मानी पिछले 3 दिन पहले, और उन्होंने ये टेंडर और भी कंपनीज को दिया, जैसे एक दो कंपनीज है, सिप्रा मेडिकेयर है, एक दो कंपनीज ऐसी है, मुझे अभी उनके नाम याद नहीं आ रहे, ये सब है। तो आगे भी इसमें यही बताया गया कि अभी का जो लेवल है दोनों का, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, ये पहले से लास्ट बार से काफ़ी अच्छा है, और दोनों मिलके अच्छा काम कर रहे हैं इस बार। जो लास्ट बार दोनों में अलग अलग होता था, क्रुशियल या फिर अगेंस्ट थे दोनों, आज वो नहीं है, और ये दोनों मिलके अपने ये रहा, देखिए टेस्टिंग किट, सेंटर, वेंटिलेटर्स, PPE किट्स की डिमांड कर रहे हैं, और जो अपना ओपिनियन पहले डिफेंस था वो भी आज नहीं है। लास्ट बार क्या था कि जो इसको आपने ज़बरदस्ती जोन जो घोषित, ये जो हो गया कंटेनमेंट जोन, ये है मेथड टू काउंट ऑफ कोविड इन्फेक्टेड, की आपने जो भी जानकारी दी है कि भाई इतने लोग हैं पॉजिटिव, वो जानकारी आपने गलत दी है, ये इन सब के बारे में था, जो कि ऐसा था पिछले की लास्ट 3 महीने में, लेकिन अभी वो सही है। बेसिकली इनमें यही बताया गया। और दूसरी बात, अभी इसमें अगली बात पे आते हैं। देखिए यहाँ से 2 वीक पहले क्या हुआ था, जो अपने झारखंड के CM हैं श्रीमान हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि जब मेरी मोदी जी से बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने ओनली वही बात बताई जो उनके मन में थी, यानी PM ने ओनली अपने मन की बात ही बोली, उन्होंने ये नहीं सुना कि CM ऑफ झारखंड क्या बोलना चाहते हैं। तो इसमें जो अपना वन पे ह्यूमिलेशन हो रहा है ये बात बताई गई, और अभी जो वर्ड यूज़ किया वन वे ह्यूमिलेशन, ये अभी जो CM की बैठक ली थी अभी जो मोदी जी ने और लोगों के साथ, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी मोदी जी ने, और बाकी और लोगों की सुनी नहीं। तो ये भी एक प्रकार से वन वे ह्यूमिलेशन है, और ये मीटिंग अपने गुरुवार की यानी थर्सडे की मीटिंग है। लेकिन हालांकि जब इस पर जवाब देना पड़ा तो BJP ने ये कहा कि जो ममता बनर्जी दीदी है वो ओनली राजनीति के बारे में बात कर रही है, इसलिए हमने इनका जवाब देना लाजमी नहीं समझा। तो भी आप देखेंगे कि अभी भी स्टेट की नहीं सुनी जा रही है उतनी, अभी भी उनको उतना भाव नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। यार देखिए, आप सेंट्रल लेवल पे हैं, अगर आपको एक देश चलाना है तो आपको हर एक CM की सुननी पड़ेगी, अगर आपको एक राज्य चलाना है तो आपको एक हर एक DM की सुननी पड़ेगी, तो ये एक हायरार्की बनी हुई है। तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मान लो गवर्नमेंट अलग अलग है, और ये इसी गवर्नमेंट में नहीं यार, ये इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये हर एक गवर्नमेंट में है, तो यार हमें देश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि हमारी पार्टी का नहीं है, हम इसकी पार्टी के नहीं है, इन सब बातों पे ध्यान दिया गया। और मोदी जी ने बेसिकली अभी ये बोला है कि जो हमारी फंगल डिजीज़ आ रही है अभी, ब्लैक फंगल डिजीज़ जिसे हमने बोला है, उसमें बेसिकली क्या है, हमारी जो ये अपना एक है ये वाला ड्रग्स है M4B, तो इसकी अचानक शॉर्टेज आ गई है, इसकी अचानक शॉर्टेज आ गई है। तो देखो यार, सेंटर ने ये बोला है कि प्लीज़ इसकी जो प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ा दी जाए, इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की गई। और मोदी जी ने यह भी बताया है कि जो ये अपना वायरस है इस वाले वेव्स में, वो अपने चिल्ड्रन और यूथ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हर घर जाके टेस्टिंग की जाए, ये बात बोली गई। हालांकि ये बात अच्छी है, और इसमें सेंटर के साथ जो अपना स्टेट है वो भी, उन्होंने ये वाली बात मान ली गई है। अभी अगर हम आगे चलें इस वाले मैटर पे रिलेटेड, हालांकि
ये इसमें नहीं है। अभी शायद से जो कल की न्यूज़ है, एक नया सेल्फ किट लॉन्च हुआ है, अगर आपको COVID-19 है या फिर कि टेस्टिंग करनी है, शायद उसका नाम है कोविशेल्फ। तो इसके माध्यम से आप खुद भी अपनी टेस्टिंग को घर बैठे कर सकते हैं। इसकी रेट मात्र 250 रुपये है। तो इसके माध्यम से मेरा ये मानना है कि हमारी जो भी टेस्टिंग है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर काम नहीं कर रही है, सेंटर भी काम कर रही है यार, स्टेप बाय स्टेप सेंटर भी काम कर रही है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही था कि सेंटर और जो स्टेट के बीच में क्या क्या फाइट हो रही है, और वो फाइट अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है पहले के मुकाबले। हालांकि उतनी कम नहीं हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रही है। चलिए, ये अगले आर्टिकल पे हम चलते हैं। अगले आर्टिकल बहुत ही शानदार आर्टिकल है यार, ये सुंदरलाल भगवाना के लिए है, अपना गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट की उपाधि इन्हें दी गई है। तो यार ये आर्टिकल स्पेशली रिलेटेड है चिपको मूवमेंट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पॉज करता हूँ और मैं आपको चिपको मूवमेंट के बारे में अच्छे से बताता हूँ कि चिपको मूवमेंट असल में हुआ क्या और स्टार्ट कहाँ से हुआ। चलते हैं अपन 1962 में, जब इंडियन और चाइना का वार हुआ। हालांकि उसमें इंडिया हार गई थी, तो उसका रीज़न ये बताया गया कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी सुविधा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारा जो तिब्बतियन सीरा है, मतलब सीमा वाला एरिया है, यानी जो अपने जो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे रोड बनाया जाए। अगर यहाँ पे रोड बनाया जाएगा तो हमारे आर्मी, अगर आगे इन फ्यूचर ऐसा कोई भी युद्ध होता है, तो इस रोड के माध्यम से वो आपस में आ और जा सकते हैं। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन का जो जो भी काम है उसके लिए स्टार्ट हुआ कि यार वहाँ पे जो अपने पहाड़ी एरिया थे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। अब उन पेड़ों को काटने के लिए ज़मीन चाहिए। उनको काटा यानी कि ज़मीन हो सके, यानी लैंड हो सके, और उसके बाद हमारी रोड बन सके। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, जब 1962 से काटते काटते स्टार्ट हुए, हम लोग 1972 में आ गए। जो हमारा यूपी वाला एरिया था, यानी यूपी का मतलब आज का उत्तराखंड, वहाँ पे एक जिला पड़ता है चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी चमोली जिला। जब वहाँ पे रोड का काम स्टार्ट होने लगा, तो बेसिक है कि वहाँ पे हमें रोड के लिए पहले ज़मीन चाहिए, तो हमारा वहाँ पे फॉरेस्ट काम होना स्टार्ट हुआ। तो 1972 में आते आते ये काम बहुत ही फास्ट तरीके से होने लग गया, यानी पेड़ काटने का काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, तो जब वहाँ पे देखा गया तो लगभग मेरे ख्याल से 20 लाख पेड़ को जो काटने का टेंडर वहाँ पे दिया गया 1973 में आते आते। तो जो वहाँ के हमारे जो फर्स्ट नेता थे सुंदरलाल भगवाना, और दूसरे थे हमारे, उनका नाम था, क्या था उसका नाम, शायद से कि चंडी प्रकाश भट्ट था। इन दोनों ने सबसे आगे इसका नेतृत्व किया कि यार हमें इसको काटने से बचाना है। और जो महिलाओं का नेतृत्व किया वो किया गोरा देवी ने, और उन्हें महिलाओं के नेतृत्व का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो वो लोग आपस में की पेड़ों से चिपक गए, और इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा गया। जब ये माना गया कि वो लोग जब काटने आए मतलब पेड़, तो हमारी गोरा देवी ने ये कहा कि आपको पेड़ों के काटने से पहले सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा। तो इसलिए इसे, इस मूवमेंट को ये नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। तो यही था यार, मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बताया गया। हालांकि इसमें चिपको मूवमेंट के बारे में इसमें दिया हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया गया कि चिपको मूवमेंट है क्या। तो हमारा जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो होता रेनी विलेज। अब रेनी विलेज कहाँ पर है, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, मार्च 1973 में। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने हिमालय इकोसिस्टम को बचाने के लिए, और उनकी अभी डेथ हो गई है फ्राइडे को 94 एज में, और उनको COVID-19 पॉजिटिव था। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से ये 8 मई से ऋषिकेश का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट थे, और उसके बाद जो अचानक न्यूज़ मिली कि उनकी डेथ हो गई है, तो ये काफ़ी दुख की बात है। तो बस यही सारी इसमें बातें की गई है यार, बाकी कुछ खास नहीं है। मैंने जो बाकी आपको स्टोरी बताई वो सब आपको पता पड़ गई होगी। और फिर भी अगर आपको इस पे स्पेशल वीडियो चाहिए चिपको मूवमेंट पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। लास्ट आर्टिकल जो हमारा बचा है वो है द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी इसमें जो मेन आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 के बारे में हम
पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 15 क्या है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट प्लेस सेक्स, यानी इस सबके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे आर्टिकल 15 का जो क्लाउज 4 है उसमें दिया गया है, अगर आप स्पेशल हैं, जैसे अगर आप एसटीएससी हैं या आप अगर की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, यदि आपके विकलांग हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये इसी के बारे में बात की गई है। देखिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेक्स अवे स्टेट पावर टू डिसाइड ऑन बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशंस दैट वाज नॉट सेंटर्स इंटेंशन, द कोर्ट मस्ट रिकंसीडर। यानी सेंटर ने अभी एक मेजोरिटी से बिल पास किया था कि यार जो अपने स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है कि वो भी एक जो कास्ट को अलग मान के या फिर उसको बैकवर्ड कास्ट मान के या फिर एसटी में लेके एससी में लेके उसको रिजर्वेशन दे सकता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये इनका वोट बैंक होता है। ये इसमें बताया गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ये बेसिकली इनका वोट बैंक होता है। अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि इस आर्टिकल में वो एग्जांपल नहीं है, यदि हम चलते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या है कि मराठियों को स्पेशल रिजर्वेशन दिए जाने की बात बोली गई, लेकिन वो रिजर्वेशन जब भी दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो वो रिजर्वेशन की 50% से ज़्यादा बढ़ गया। बात सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने मना कर दिया रिजर्वेशन देने से। ये इसमें शॉर्ट चीज़ है। तो इसमें क्या है कि जब अपना 102वां संविधान का संशोधन आया था कि जो स्वर्णों को रिजर्वेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वो पावर स्टेट को दी गई है, लेकिन सेंटर ऐसा बोल रहा है कि वो पावर इनसे लेके स्टेट को वापस दी जानी चाहिए। अगर मान लो स्टेट ये मानते हैं कि ये इंटेंशन सेंटर की गलत है तो प्लीज़ इस पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे। इतनी सी बात इस पूरे में दी गई है, रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आपको आर्टिकल 15 के बारे में याद होना चाहिए, आर्टिकल 15 का क्लाउज 4 के बारे में पढ़ लीजिए। और जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, तो ओबीसी को रिजर्वेशन कब दिया गया था ये भी आप समझ लीजिए, 1992 में, 16 नवंबर 1992 में, आफ्टर द इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद इनको रिजर्वेशन दिया गया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया गया है जो बैकवर्ड क्लास है, इन सब के बारे में बात की गई है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आर्टिकल 15 का क्लाउज 4 अच्छे से पढ़ लेना, इन सब को बारे में बात की गई। और जो अपना आर्टिकल 342 ए का क्लाउज 1 है उसमें यह दिया गया है कि अपने स्टेट को पावर दी गई है कि वो भी रिजर्वेशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और जो भी उनके पास है। लेकिन इसमें हमारा सेंटर ने ये अपील किया है, जजमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट से कि ये शक्ति इनसे छीन ली जाए और ये बताया जाए साफ तौर पे कि इसमें सेंटर की इंटेंशन नहीं है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे। ये सब मैंने इस वाले आर्टिकल में बताया। तो आशा करता हूँ यार आपने मेरा वीडियो अभी का पूरा देख लिया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसको सुधार सकें अगले आर्टिकल्स में। और अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक को इसको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।